गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में एक चैप्टर इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट का टॉपिक इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर का एक प्रॉब्लम सॉल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में भी आएगा। सबसे पहले ये आपके सामने एक प्रॉब्लम रख दिए, 1 अप्रैल 2017 विवेक हैज 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ एपेक्स लिमिटेड, जिसका बुक में वैल्यू था 15 रुपया करके। उसका फेस वैल्यू 10 है, लेकिन वो परचेज कभी हुआ था 15 करके, तो इसका मतलब 7,50,000 टू बैलेंस बीडी। विवेक के पास 50,000 शेयर है। ओके, यहाँ देखिए 20 जून कंपनी फिर से हम लोग उस कंपनी का 10,000 शेयर परचेज किए 16 का रेट में, तो 10,000 शेयर परचेज करते हैं 16, 1,60,000 परचेज किए 20 जून। ये हम लोग के पास पुराना शेयर है और ये नया शेयर हो गया 10,000। क्लियर है? अब हम लोग के पास शेयर हो गया 60,000। 1 अगस्त कंपनी 1 बोनस शेयर देगा फॉर एवरी 6 शेयर है। हम लोग के पास 60,000 शेयर है और 1/6 अगर बोनस होता है तो हम लोग को 10,000 शेयर बोनस मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 अगस्त के 2-3 महीना बाद 31 अक्टूबर राइट शेयर मिलेगा। ठीक है, राइट शेयर का रेशियो होगा 3 शेयर फॉर एवरी 7 शेयर है, दैट इज बोनस के बाद है, तो बोनस को ऐड करके राइट होगा। तो हम लोग का अभी तक 70,000 शेयर हो चुका है, तो 70,000 शेयर के ऊपर 3/7 30,000 राइट मिलेगा, जो हम लोग को परचेज करना होगा उसके लिए 15 रुपया देना पड़ेगा, 15 रुपया कॉस्ट है। हम लोग अपना राइट ट्रांसफर कर सकते हैं आइदर फुल्ली और पार्टली। अगर हम नहीं परचेज करते हैं राइट शेयर तो समवन किसी को रिनाउंस कर सकते हैं आइदर फुल और पार्ट। विवेक लिख रहा है 1/3 राइट इन टाइटल बेच दिया 2 रुपया पर शेयर। हम लोग को 30,000 राइट शेयर परचेज करने का पावर मिला था 1/3, 10,000 राइट हम लोग इंटाइटलमेंट किसी को दे दिए 2 रुपया करके, और रिमेनिंग राइट शेयर को परचेज किए। देखिए यहाँ लिखा है सब्सक्राइब द रेस्ट। हमको बोला इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ विवेक, ईयर एंडिंग है आपका 31 मार्च 2018। तो ये इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर है, इसमें एडजस्टमेंट में आपका बोनस शेयर है राइट शेयर। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ओके, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ विवेक इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ एपेक्स लिमिटेड। सबसे पहले 1 अप्रैल 2017 हम लोग के पास बैलेंस था टू बैलेंस बीडी 50,000 शेयर था, बुक वैल्यू 15 था, दैट इज 7,50,000। संग संग हम लोग परचेज किए हैं, हम लोग 20 जून को परचेज किए हैं 20 जून 2017 टू बैंक अकाउंट। 10,000 शेयर परचेज किए हैं 16 का रेट में 1,60,000। अब बोला है बोनस शेयर, 1 अगस्त को बोनस शेयर बोल रहा है। 1 अगस्त को अगर बोनस शेयर है तो हमको देखना होगा बोनस शेयर का रेशियो क्या है। बोनस शेयर के लिए कोई कॉस्ट नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो 1 नंबर वर्किंग देते हैं बोनस शेयर। वैसे हम लोग के पास 60,000 शेयर है, अब बोनस का आप रेशियो देख लो 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 6 शेयर हेल्ड, 6 शेयर रखने पे 1 बोनस मिलेगा, तो बोनस शेयर हो जाएगा 60,000 × 1/6 दैट इज 10,000 शेयर्स। अब हम लोग के पास 70,000 शेयर हो गया। अब राइट शेयर का बात करते हैं, राइट शेयर का आपको रेशियो दिखा दे, पहले राइट शेयर का रेशियो देखिए 3 शेयर
एवरी सेवन शेयर। डेट है अक्टूबर, बोनस के बाद, अगर बोनस के बाद देखें तो हम लोग के पास 70,000 शेयर है टोटल नंबर ऑफ राइट, 70,000 शेयर है, 3/7 बोला है, 3/7 मतलब 30,000। सेल ऑफ राइट इंटाइटलमेंट बोला है 1/3, सेल ऑफ राइट इंटाइटलमेंट 30,000 का 1/3, 10,000 बेच दिए, सेल वैल्यू 10,000, 2 रुपया करके बेचे हैं। उसका डेट दिया हुआ है 5 नवंबर को बेच दिए हैं, तो हम लोग उसका एंट्री कर देते हैं 5/11 बाई बैंक अकाउंट, ये हम लोग का इनकम हो गया 20,000। हम लोग राइट शेयर परचेज नहीं किए, उसमें से 10,000 बेच दिए 20,000, तो 30,000 राइट का इंटाइटलमेंट था, 10,000 बेचते हैं तो परचेज करेंगे बैलेंस 20,000, राइट शेयर परचेस्ड। अगर बात करें तो 30,000 का बैलेंस 2/3 दैट इज 20,000। परचेज कॉस्ट 20,000 शेयर अगर परचेज करते हैं तो कंपनी 15 रुपया करके देगा दैट इज 3,00,000। उसको आपको दिखा देते हैं, ये देखिए लिख रहा है कि 1/3 राइट इंटाइटलमेंट 2 रुपया करके बेचती है, सब्सक्राइब द रेस्ट, तो 20,000 को हम लोग खरीदे हैं और खरीदने का कॉस्ट देखिए 15 रुपया, और क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्लोज कर देंगे। यहाँ ले आते हैं टू बैंक, इसका डेट देते हैं 5 नवंबर, टू बैंक अकाउंट 20,000 शेयर परचेज होगा 15 रुपया करके 3,00,000। ओके, तो ये मेरे पास 50,000 शेयर था, 15 रुपया करके 750, 10,000 परचेज किए 160, 10,000 हम लोग को बोनस मिल गया इसका 1/6, यहाँ से 30,000 राइट मिला था, 10,000 राइट परचेज नहीं करके हम लोग बेच दिए, हम लोग का इनकम हो गया 20,000 राइट परचेज किए। ओके, और क्वेश्चन में कुछ नहीं है, कोई शेयर उगर बेचे नहीं है, बस हमको क्लोज कर देना है 31 मार्च 2018 बाई बैलेंस सीडी। इसको ऐड करते हैं 90,000 से 12/10 90,000 से, यहाँ बैलेंस भी 12/10 ही होगा, सेल हुआ नहीं है, प्रॉफिट लॉस का कोई समस्या नहीं है, तो वैल्यूएशन का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इनकम हुआ 20,000, इसको इधर लाए 20,000, यहाँ 31 मार्च 2018 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000 इनकम। ठीक है, देखिए छोटा सा प्रॉब्लम था, 2 एडजस्टमेंट था, एक बोनस शेयर, जो शेयर अपने पास है उसका 1/6, राइट शेयर को एक बार आप फिर से देख लो, अपने पास 70,000 शेयर है, 3/7 राइट है 30,000, हम लोग 1/3 राइट परचेज नहीं करेंगे, 10,000 नहीं खरीदेंगे, उसको बेच देंगे 2 रुपया करके, ये हम लोग का इनकम हो गया। तो 30,000 में से 10,000 परचेज अगर नहीं करते हैं तो 20,000 शेयर परचेज करेंगे 15 रुपया करके 3,00,000। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लीजिए, मेरे साथ धीरे धीरे सॉल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।